नमस्कार, इस समय हम जो जीटीवी नगर आए हैं, जहां कल राहुल गांधी खुद आए थे यहां, और इन जो लेबर है, मजदूर है, इन सब से मिलने के लिए राहुल गांधी खुद यहां आए। अचानक उनका दौरा रहा और हमारे साथ जो है आपका क्या नाम है? ये मोहम्मद अयूब है, ये कारपेंटर का काम करते हैं। राहुल गांधी से कल इन्होंने बातचीत की है, आइए हम जानते हैं कि क्या बातें हुई। क्या जी, सबसे पहले तो बताइए कि राहुल गांधी आए तो आप लोगों को कैसा है, क्या लगा कि कौन आए? जब उस टाइम पर राहुल गांधी जी आए तो हमने तो उनका देखा, राहुल गांधी जी आए, हमारे पास में हाथ पास में आया, हमने उनके पास में गले मिले, और गले मिलने के बाद में हमसे पूछा क्या क्या रोजगार चल रहा है, क्या क्या समस्या है। जी, 500 रुपये झाड़ी देते हैं ठेकेदारों को, 500 रुपये मिलते हैं, ठेकेदार लोग देते हैं झाड़ी भाग जाते हैं, उसके बावजूद में मैं ठीक आया लास्ट में आने के बाद में टाइम के ऊपर दो बी दो हफ्ते में रहता है काम, बीस दिन के लिए छुट्टी, एक महीना के बाद रहता है। ये बात हमारे गाँव में राहुल जी ने एक और आपकी रखी जाएगी, लेकिन बहुत सबके बाद सबका विकास हो हमारी समस्या दी है कि कोई नहीं आया। राहुल गांधी जी आए यहाँ पर, सबने स्वागत करा, बहुत अच्छा लगा हम सबको, और उसके बाद उन्होंने जितने भी हमारे मजदूर भाई थे सारों स्वागत बढ़िया करा। आज आप लोगों को पहले से पता था कि वो अचानक आए? अचानक आए थे, हम हफ्ते पहले मीडिया घूम रही थी, वो कह रहे थे हमने दिखाई है, वो जाना कुछ नहीं बताया उन्होंने, जब वो चार पाँच गाड़ी पुलिस वालों की आई उसके बाद उन्होंने कहते हैं कोई घबरा दी गया हो जाओ हो जाओ उठाने लगे, उठाने के बावजूद में चलने के रखते हैं हम भाई, और हमारे हो जाते हैं, फिर उसके बाद में राहुल जी की गाड़ी आई, उन्होंने हम कर राहुल जी बैठे थे, वो कहाँ बैठे थे? इसी जगह बैठे थे? अच्छा, यहीं बैठ के आप सब लोगों से बातचीत? जी जी। और कौन से आपसे बातचीत की है? क्या नाम आपका? आप क्या काम करते हैं? अच्छा, पहले कभी देखा था राहुल गांधी को सामने आते सामने से? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो कल जब वो आए तो आपको कैसा लगा, क्या पहचान पाए कि राहुल गांधी कौन? ऐसे कुछ फोटो में देख रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने उनका पूरे लेबर भी आया, पैसे भी मिले हैं, सब कुछ मैंने उनका नाम पैसा देखा, कभी नहीं आए थे हम लोग से मिले। अच्छा, तो क्या क्या आपने कुछ बातें रखी अपनी? बातें यही रखी कि काम धंधे का हम लोग के पास काम धंधा तो आए नहीं, अगर मुकद्दर हमारे तुम्हारे सही है, काम धंधा नहीं मिला जब इतना पब्लिक इकट्ठा हुआ है, अगर मुकद्दर सही नहीं हम लोग का सही रहता था, अपने अपने काम धंधे में लगे रहते तो मुलाकातें हमारी तुम्हारी नहीं होता होता सर, नहीं होता, इसी वजह से उनको भी हम यही बात बोल रहे हैं, आपके लिए यही बात करें, इतनी बात करते हैं। क्या आपकी क्या समस्या जो आप लोग? समस्या यही है कि हम लोग महीना में एक दिन दो दिन लगता है, लेकिन पूरा दिन खाली 2800 दिन खाली चला जाता है, काम आते नहीं लगते नहीं। क्या कभी यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, कभी आप लोगों को ले जाए? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे वहाँ पढ़ रहे हैं ना, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आने के बाद जीत गया, दिहाड़ी मोटी लग गई, राहुल गांधी आ गया, कल भी आ गए, भी था केजरीवाल वाले, केजरीवाल वाले है, ठीक है, और केजरीवाल साहब जो है पंजाब के वाले वो भी आए थे, समाचार बाद आए थे, मुलाकात सभी लोग से बारी बारी से बात और ये गेट नंबर 4 है मेट्रो का, यही ये लेबर चौक इसको कहा जाता है, और कल राहुल गांधी इसी जगह पर आए थे, यहाँ राहुल गांधी बैठे थे और मजदूरों से उन्होंने बातचीत की है, मजदूरों से करीबों 1 घंटा यहाँ रुके, और रुकने के बाद में उन्होंने सभी मजदूरों ने बातचीत की है, उनसे उन मजदूरों से हम भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उनसे क्या उन्होंने बातचीत की। यहाँ लोगों ने बताया बातचीत के दौरान जो भी मजदूर हैं उन्होंने, कि राहुल गांधी कोई एक मजदूर था, एक ठेकेदार था, उनके पैसे नहीं दे रहा था, उसके लिए राहुल गांधी उनके साथ गए, और जो आपने मीडिया में देखी थी तस्वीरें कि राहुल गांधी जिस मकान में गए वो वही मकान है जहां वो ठेकेदार मजदूर के पैसे नहीं दे रहा था, तो राहुल गांधी वहां गए और वहां उन्होंने बातचीत की। ये इन लोगों ने बताया है कि वो जो राहुल गांधी उनकी बात जो लेबर यहां मौजूद थी उनकी बात सुनने के बाद वहां गए, और वहां उसके बाद तमाम सारे वीडियोस और वो सब आपने देखे हैं,
ये जो है यहाँ लोगों का कहना है कि करीब 300 के करीब ये लेबर है जो कि सुबह 8 बजे आ जाती है और शाम को 6 बजे तक इंतज़ार करती है। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके का जो है इस तरीके के लेबर चौक है जहाँ पर सुबह लेबर आती है और जिसको अपना काम कराना होता वो इनको ले जाते हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है, इन लोगों की परेशानी है कि सभी लोगों को रोज़ रोज़गार नहीं मिल पाता है, जो महीने में है दो दो दिन तीन तीन दिन ही रोज़गार मिल पाता है। अब ऐसे में जो है अपने मकान का किराया कैसे दें, अपना जो है खाना खर्चा कैसे चलाएं, ये एक बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के बारे में इन्होंने राहुल गांधी से भी बातचीत की, उन्हें भी समस्या से अवगत कराया। जब हमने पूछा क्या पहले से ये प्लांट था, आप लोगों को पता था, इन लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता था, हमें तो लगा जब पुलिस आई तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कुछ हो गया है। जैसे कि आमतौर पर एक जो गरीब तबके का आदमी सोचता है जब पुलिस आती है तो कुछ ना कुछ हो गया, लेकिन जब जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे तो कुछ लोगों ने रोका कि राहुल गांधी आपसे मिलेंगे। उसी दौरान जो है सब ये लोग मिले, इन्होंने सारे सब ने बातचीत की, अपनी अपनी समस्याएं रखी और तमाम सारी जो है समस्याएं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके आपको बताएं। कल राहुल गांधी आए थे, आपसे बातचीत की उन्होंने, आपको कैसा लगा और क्या आपने बातचीत रखी उनके सामने? ये हमारे पास में जिस टाइम पर राहुल जी आए थे हमें बहुत अच्छा लगा। मैं राहुल जी की गाड़ी आई है और गाड़ी आने के बाद में हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद में गले लगे हमसे। उन्होंने कहा भाई मैं मजदूरों के लिए आया हूँ यहाँ पर, नारेबाजी कोई जरूरत नहीं है। आए आने के बावजूद में फिर हमारे पास बैठ गए, बैठने के बावजूद में दिल की बात पूछी उन्होंने, तुम्हारे में क्या परेशानी है क्या नहीं है। मैं जी हम महीने में 8 दिन काम करते हैं, 8 दिन के बाद में खाली रह जाते हैं, 22 दिन खाली रहते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ पैसे भी नहीं मिलते, इस तरीके की बात हुई थी। तो आपने जो है बिल्कुल आप नज़दीक बैठे थे राहुल, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे। आप लोगों को एकदम पता था कि राहुल गांधी आने? नहीं जी, हमें राहुल गांधी जी का पता नहीं था, ये आने वाले हैं, अचानक आए थे, अचानक आने के बावजूद हमें पता लगा इस चीज़ का। तो बराबर में बैठे हुए थे, जैक मेरे कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, तो उन्होंने बात करी, बताओ क्या क्या समस्या में, ये समस्या जी हमारे पास में काम नहीं लगता, हम परेशान जाते हैं। तो आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा नेता जो है? हाँ जी, हाँ जी, जिस टाइम पर ये नेताजी आए हमारे पास में राहुल जी, तो हमें बहुत खुशी हुई, क्यों कभी चौक पे कोई भी नेता नहीं आया आज तक भी पूछने के लिए, और हम बहुत खुश हुए सारे। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा हम राहुल जी से मिल लेंगे, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। इस इलाके के बहुत सारे नेता हैं, क्या कभी वो आए? मनोज तिवारी? कोई नहीं आया जी, हमारे पास कोई नेता नहीं आया। कैसे पढ़े हो कैसे नहीं पढ़े क्या मैटर है, क्या नहीं लेकिन वे आए। अच्छा, आप लोगों की क्या मुख्य समस्या है जो आप लोगों ने राहुल गांधी से शेयर की? हमारे पास में ये समस्या, काम धंधे लगते नहीं है, काम लगे तो वहाँ से पैसे नहीं मिलते कहीं से, इस तरीके की बात हुई थी हमारी जी। काम खुले ही मशीनें बंद करा देते हैं, जहीं कभी काम चलता तो बंद करा दे, उठा ली, तो इस तरीके की बात हुई थी हमारी। तो कितनी देर आपके साथ रुके? ये 1.5 घंटे करीब हमारे पास रुके थे, 1.5 घंटे में हमसे बहुत बात हुई थी, और साथियों से बात हुई थी, सबने अपनी अपनी समस्या रखी थी, यही समस्या थी जो हमने बता रहे हैं आपको। तो आप भी थे साथ में? हाँ जी, ये भी हम भी थे। क्या कहा आपने राहुल? राहुल गांधी से हमारी बात नहीं हुई, ये कर रहे थे बात हमारे, हम तो देख रहे थे, हम दूर ही थे। हम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, हमारे से तो बात ही नहीं हो पाई, आदमी इतने थे घुसने ही नहीं दिए, हमें तो बैठने नहीं दिए पास में, कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी तो उनसे। क्या क्या इससे पहले आपने राहुल गांधी को देखा? नहीं, कभी नहीं, राहुल गांधी से कभी हमने देखा भी नहीं था कि भाई हमारे सामने ऐसे आ जाएगा, हमने सोचा नहीं था कि भाई हमारे अचानक सामने ऐसे आ जाए। उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि हाँ भाई राहुल जी आने वाले हैं, भाई कुछ इंतजाम करते बैठने उठाने का, हमारे पास में कोई गरीब आदमी यहाँ पे कोई इंतजाम है नहीं था, तो जैसे हम बैठे ऐसे बैठे हमारे साथ में, बस हमें कोई पता ही था भाई ये आने वाले हैं, बताया भी नहीं। हाँ, यही बैठे हुए, इसी तरीके से बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, राहुल जी यहाँ बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो कंधे पे हाथ रखा था राहुल जी ने, अरे यहाँ बैठे थे बराबर में, जैसे यहाँ करके बिल्कुल जी ऐसे बैठे हैं हम। हमारी बातचीत हुई, जो भी समस्या आपको बताई थी दोबारा बताओ। दोबारा ऐसा जी, जितने नेता आए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे राहुल गांधी जी के बराबर में हम बैठे हैं और गरीब आदमियों की समस्या उसने पूछी है कि साहब रोजी रोटी कैसी है। मैं ये काम धंधा नहीं, 500-600 रुपये की झाड़ी चल रही है, महीने में दो दिन काम मिला या ना मिला अपने घर चले जाते हैं। तो कितनी देर आपके साथ रुके? काम का जी 1.5 घंटे करीब रुके हैं, और बड़े प्यार से बात हुई है। आपने अपनी सारी समस्याएं रखी? समस्या मैंने बताई जी पूरी।
और कौन कौन लोग थे, बाकी आप लोग भी थे? बात नहीं कर पाए, पीछे बैठे थे, हमने बात तो करे थे, बता तो दिए, बता तो दिए, हमने बात करे थे। सर जी यही हम प्रस्ताव रखे थे, जब हम लोग मजदूर को रोजी रोटी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जितने मजदूर है सबको रोजी रोजगार दे दो। ठेकेदार पैसे रख लेता तो हम लोग के साथ ठेकेदार के पास काम करने के लिए नहीं जाते, इसलिए चौक पर हम लोग आते हैं। मिलता ही नहीं है पैसे, मुझे तो हर ठेकेदार जो काम करते हैं तो रोक रखता है, अच्छे छह बजे सात बजे काम कराता है, आठ बजे पैसे नहीं मिलता है तो जाते हैं। नहीं तो राहुल गांधी आए थे तो हम नहीं थे यहाँ पर, हम नहीं थे सर, हम सब थे, यानी कि मतलब 100 से ऊपर आदमी हो गए यहाँ पे मजदूर इकट्ठा हुए। उन्होंने तो आते ही नारे लगाए थे, वो खड़े हैं चाचा, उनको 500 का नोट लेके गए थे। बारिश हो रही है यहाँ, मैं नहीं थे भाई साहब। आप नहीं थे फिर भी आप लोगों की क्या समस्या है, मुख्य समस्या क्या है? एक बड़ा नेता अगर आपके बीच में आया है, आपकी समस्या पूछने के लिए आया, तो आप लोग बताइए आपकी समस्या। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, चौक से, और चौक पे हमारे यहाँ की काम नहीं मिल रहा है बराबर। महीने में मान के चलो कि 10 दिन काम करते हैं और 20 दिन वैसे चले गए, और जब हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? 10 दिन काम करेंगे उसके बाद में घर बैठेंगे, और हमारी आगे की भविष्य क्या कहेगी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप युवा लग रहे हैं। हम तो यूपी गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले? जी। तो उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। अरे दे कहाँ रहे हैं, अगर दे रहे होते तो हम यहाँ क्यों पड़े रहते हैं? हमें भी अच्छा लग रहा है कि अपने जिले में रहें, गांव में रहें, लेकिन क्या करें, जब कोई नई समस्या हो रही है, समाधान हो रहा है, तो इधर उधर घूमना पड़ेगा, काम तो करना ही है कोई ना कोई। आप यहाँ कहाँ रहते हैं, क्या किराए पे रहते हैं? हाँ किराए पे हम जी रहते हैं मलिकपुर टैगोर पार्क में। 50 बैठे हुए हैं और 10 आदमी का काम निकलता है, 100 आदमी बैठे हैं, कौन जाएगा काम पे, कौन किसकी रोटी कैसे चलेगी? सभी ये मजदूर हैं जो भैया आए तो थे, मैं तो बहुत दूर में रहा। नेता का आता है कोई हमें रोटी थोड़ी देगा, मैंने तो कमाना और खाना है हल को, तो जब जानते हैं कि लो भाई 10,000 रुपए लो, घर में राशन डाल लो, बच्चों के लिए खिलाओ। 5-5 किलो तो ऐसे मोदी सरकार अनाज भी तो देती है, तो आप उसको अरे सबको नहीं मिल जाए ना। 5 किलो में क्या होता है? 5 किलो होता क्या? 5 किलो तो एक आदमी का भी नहीं। अभी रिश्तेदार 4 आ गए, 4 ही खा के बराबर हो जाएंगे, वो तो हो गया 5 किलो आटा। किसी का तो है, किसी को मिल रहा, किसी का ही नहीं। आप भी तो यहाँ यही लेबर के काम करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के आप लोग? तो क्या वहाँ मतलब आप यहाँ आए वहाँ हाँ वहाँ रोजगार होता ना, ऐसी तैसे तो कराने आते हैं, वहाँ पर रोजगार होता तो ना क्या करने आते, नहीं कमाते ना, किस लिए आए? और क्या समस्या, यही समझो महंगाई देखो क्या है, 500-600 में क्या होता है? सर सरकार जब मजदूरों पर निर्भर करेगा, मजदूर मजदूरी करता है तो उसके बारे में सोचेगा समझेगा, कई राज्य से आते हैं लेबर तो उसके बारे में तो सोचना चाहिए कि कल कंपनी कारखाना बना दे तो मजदूर उसमें लेती करेंगे, अपना सेफ्टी रहेंगे, लेकिन इन लोगों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। मजदूर एक दिन कमाएगा, 3 दिन बैठेगा तो उससे क्या होता है? कम से कम 7,000-8,000 रुपये किराया झुग्गियों में, वो भी VIP इलाके में, झुग्गियों में 7-8,000 रुपये किराया, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 5,000 रुपये किराया देता हूँ। पानी का कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, बस किराए से मतलब है, किराए मकान वाले को और क्या मतलब है? और महंगाई देख लो, सुविधा देता है, घर बनाता है, एक एक ईंट देता है, हेल्प करता है, लेकिन मजदूरों की कोई सुनने वाला है नहीं। मजदूर की सरकार सुनती तो कल कंपनी कारखाना लगाते, उसमें मजदूर अपना काम करते, अपने जीवन की जिंदगी जीते, अब इसमें जो है कोई समस्या का सुन ही नहीं रहा है, मजदूर क्या है इस बात में?